पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ जनादेश को देखते हुए मनोहर लाल खट्टर को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। हुड्डा वीरवार को रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने जेजेपी व निर्दलीय प्रत्याशियों से एक साथ आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि सभी को साथ मिलकर मजबूत सरकार बनानी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, जो पार्टी लोकसभा चुनाव में आगे रही हो और अब जो परिणाम आए हैं उसके बाद उसे सरकार बनाने के प्रयास का नैतिक अधिकार भी नहीं बनता। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हार स्वीकार कर जनादेश का मान सम्मान करना चाहिए। टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, क्या कहेंगे जो भी कुछ आंकड़ा सामने आ रहा है? ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जो विधान आ रहा है, जो मौजूदा हरियाणा बीजेपी सरकार है, जनादेश उसके खिलाफ है। तो मेरा सभी से ये है, जो जनादेश आ चुका है और जितने दल हैं, चाहे वो आपकी जेजेपी है, चाहे इनेलो है, चाहे बीएसपी है, और जो इंडिपेंडेंट उनके हैं, जो जनादेश बीजेपी के खिलाफ है, सबको इकट्ठा होकर जनादेश की कदर करते हुए एक मजबूत सरकार बनाई है। और एज चेयरमैन मैनेजमेंट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कमेटी, मैं विश्वास दिलाता हूँ सारे दलों को और इंडिपेंडेंस को, उनको जो इकट्ठे होंगे अपना गठबंधन में पूरा मान निभाया है। और भारतीय जनता पार्टी जब किया है चुके हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिकता के आधार पे खुद स्वयं छोड़ देना चाहिए, खुद प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके कम से कम 8-9 मिनिस्टर हारे जो उनके थे, आज उनमें कोई नैतिकता नहीं है। लोग बात में फिर मेरा ये आग्रह है, पूर्व जनादेश का मान सम्मान करें और यही बात है। और सभी से फिर साथ कहते यही है, सारी पार्टियों के जो जनादेश के खिलाफ ले जाएंगे, हम तैयार हैं और सब मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सर, सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं आप? करें बात, मेरे कहा आग्रह किया सकते, और अभी देखते हैं, तो बाकी है उम्मीद है और भी ज़्यादा अभी नंबर आएगा। एक सूचना ये आई थी सर, दुष्यंत चौटाला को सीएम तक का ऑफर दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा है, जो इंडिपेंडेंट है वहाँ से मेरे को शिकायत मिली है, कुछ अधिकारी उनको रोक रहे हैं, ये नहीं है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, ऐसा है ना, जो भी निर्वाचित आदमी है या व्यक्ति कोई भी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अपनी जीत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप जीत चुके हैं, जिस तरह का मैं आभारी हूँ अपने लोगों का, उन्होंने थोड़ा मान सम्मान किया है, और पूरे हरियाणा के मतदाताओं का मैं आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ, जो जनादेश दिया उन्होंने, उनके हम जो 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 भावना से उन्होंने जनादेश दिया, उनकी हम पूरी कदर करेंगे। अभी किसी की बात नहीं, शॉर्ट टाइम में कांग्रेस को जो एक तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो पार्टी अभी 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव में लगभग 80 सीटों पर लीड आई हो, 75 पार का नारा हो, वो उस पार्टी की लगभग 35 सीट पे वो सिमट के रह जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खट्टर सरकार के विपरीत इस सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए मतदान किया हरियाणा के लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता सरकार बनाने के प्रयास करने के लिए। मैं आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों से कि वो अपनी हार को स्वीकार करें, हरियाणा की जनता के मैंडेट का मान सम्मान करें और विपक्ष की सरकार बनने दें। और मैं विपक्ष की अपनी जो बाकी दल हैं जिन्होंने जिनके सीटें आ रही हैं, मैं उन सबसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ। मैं दुष्यंत चौटाला जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उनकी सीटें आ रही हैं, वो साथ आएं, उनको जो ये वोट शेयर मिला है, जो सीट आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रही है, वो साथ आएं और सरकार विपक्ष की सरकार बनाने में कांग्रेस के साथ आके विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को बाहर करें। मैं अभय चौटाला जी से भी कहना चाहता हूँ, मैं बीएसपी और जो इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट्स से सबसे मैं कहना चाहता हूँ, जेजेपी के अंदर भी बहुत से ऐसे हैं, तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ये समय है, जनता ने जिस बात को लेकर मतदान किया है खट्टर सरकार को हरियाणा की सत्ता से बाहर करने को लेकर, और उस बात को लेकर उस मैंडेट का सम्मान करें, साथ आएँ और मिलजुल के सरकार बनाने में सहयोगी हों। मैं अपनी तरफ से अपील करता हूँ, मेरे पूरे क्षेत्र में रोहतक,
लोकसभा क्षेत्र और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में लगभग एक तरफा जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में तो लगभग एक तरफा 14 और शायद 14 से 15 भी हो सकती हैं, 14 और 15 यहां से एक तरफा और पानीपत को मिलाते हुए लगभग 20 लगभग जो यहां पे एक तरफा मतदान हुआ इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, मैं पूरे अपने क्षेत्र के छत्तीस बिरादरी के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी प्रशासन पर दबाव बनाकर जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन पर दबाव बनाने के प्रयास कर रही है, इंडिपेंडेंट्स को स्वतंत्रता से ये चयन करने का अवसर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करे जहां उनका मन हो वहां जाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस प्रकार के जो दबाव बनाने के प्रयास हैं ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों ने एक मैंडेट दिया है, लोगों ने सब एक स्पष्ट रूप से मैंडेट बीजेपी की सरकार को, खट्टर सरकार जो कि नॉन परफॉर्मिंग सरकार हरियाणा के लिए रही है उसको हटाने का मैंडेट दिया। आप जनभावना को स्वीकार करते हुए, इस जनभावना को स्वीकार करें और जो है इसका सम्मान करते हुए नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी को इस्तीफा दे दिया। किसी से संपर्क हुआ हम जिससे जो है मैं समझता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से भी हम संदेश दे रहे हैं, पूरे विपक्ष को संदेश दे रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, जितने कैंडिडेट जीते हैं इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने कहा कांग्रेस पृष्ठभूमि के कैंडिडेट हैं उनको हम आप लोगों के माध्यम से संदेश दे रहे हैं और जिस जिससे आवश्यकता है हम संपर्क हुआ किसी से। एक सारी ऐसी सूचनाएं आई थी कि दुष्यंत चौटाला को सीएम तक का ऑफर कांग्रेस पार्टी ने दे दिया अगर सरकार बन। देखिए ऐसा मैंने जैसे कहा कि हम आप लोगों के माध्यम से जो कहना था हुड्डा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो चेयरमैन इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अधिकृत तौर पर उन्होंने हुड्डा साहब ने कहा कि सब साथ आए, सबको उचित स्थान, सबका मान सम्मान करने की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं गांधी पार्टी की जिम्मेदारी है, उनकी खुद की हुड्डा साहब की जिम्मेदारी है। और ये भी मैं सबको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज तक जो बीजेपी में गया है बीजेपी ने किसी का मान सम्मान नहीं किया, और जो हमारे कांग्रेस के में आया है हुड्डा साहब के साथ पिछली बार भी जो सरकार में 2009 में आए थे उन सबका पूरा मान सम्मान जो उचित मान सम्मान हमेशा किया गया है, इस बात को ध्यान में रख के सारे फैसला लेंगे। सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं आप लोग, आपसे इतनी बात।